नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर टेक्निकल शर्मा जी चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी HDFC बैंक के 6E रिवार्ड इंडिगो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर जो है आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन आप जानना चाहते हैं कि इसके किट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो दोस्तों पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लाइव जो है मैं आपके सामने ओपन करने वाला हूँ अपने HDFC बैंक के 6E रिवार्ड इंडिगो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्क्रॉल कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है ऐसे ही ढेर सारी वीडियो तो आपको भी रोजाना मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ चुका है HDFC बैंक का इंडिगो 6E रिवार्ड क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको जो है इस क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे सेट करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि ऊपर में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपके एड्रेस डिटेल्स दिख रहे हैं, आपके नाम दिख रहे हैं, बैक साइड में भी कुछ भी नहीं है, फुल्ली ब्लैंक है। आपको जो है सिंपली इस क्रेडिट कार्ड के एनवलप को ओपन करना होगा। फटाफट से चलिए मैं जो है इसे ओपन कर लेता हूँ, ताकि जो है इसके अंदर रखे सारी डिटेल्स को जो है हम वन बाई वन देख सकें और जो है डिस्कस कर सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम एक साथ मिल करके देखें। चलिए देखते हैं, इस एनवलप के अंदर काफ़ी सारे जो है आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। देख सकते हैं काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हैं, साथ ही में इसी में आपका जो है इंडिगो क्रेडिट कार्ड है 6E रिवार्ड का। अब जो है मैं सारे डॉक्यूमेंट को बाहर निकालता हूँ और इसके एनवलप को साइड में रख लेता हूँ, और इसको जो है उल्टा करके मैं जो है वन बाई वन डॉक्यूमेंट रीड करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन मिल जाता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है बिल्कुल आपके लिए है। इस तरीके का टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट जो है हर कस्टमर को जो है HDFC बैंक भेजता है, जब भी वो क्रेडिट कार्ड देता है उस रिगार्डिंग जो है इसके टर्म एंड कंडीशन होते हैं। डेबिट कार्ड देता है तो उस रिगार्डिंग जो है इसके टर्म एंड कंडीशन होते हैं। इसमें जो है आपका एनुअल रिन्यूअल फ़ी, चार्जेस क्या क्या जो होती हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इसको मैं साइड में रखता हूँ और बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए जो आपके एनवलप में मिला। तो यहाँ देख सकते हैं कि कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। तो यहाँ पे जो है सिंपली HDFC बैंक अपनी कस्टमर को क्या क्या कमिटमेंट कर रहा है इस क्रेडिट कार्ड से, वो जो है क्या क्या चीज़ें आप तक पहुँचा रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं इस आपको जो है डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेंगी। तो सिंपली जो है ये कमिटमेंट है अपने सारे कस्टमर के लिए, जो कि वो एक लिखित तौर पर जो है आपको देता है। ये जो है सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसे कि फोल्ड किया गया है 4 पोर्शन में। तो इसको भी जो है हम यहाँ पे साइड में रखते हैं और जो है बात करेंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है फाइनली हमारा जो है एक क्रेडिट कार्ड वाला हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है डॉक्यूमेंट। इसी में जो है हमारा क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, जैसे कि HDFC बैंक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड गाइड, यानी कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, उसको कैसे इनेबल करना है, ये सारी चीज़ें जो है HDFC बैंक आपको बताता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है HDFC बैंक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, यानी कि कॉन्टैक्टलेस आप जो है आपको बस अपने क्रेडिट कार्ड को मशीन के ऊपर लेकर के टैप करना है और आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके की फैसिलिटी जो है क्रेडिट कार्ड में आपको मिलती है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, जिसमें कि अगर 5,000 से कम का आपको ट्रांजैक्शन करना होगा तो आपको पिन भी नहीं डालना होगा, बस मशीन के ऊपर ले जाते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन 5,000 या उससे ऊपर होगा तो आपको जो है डेफिनेटली यहाँ पर जो है पेमेंट करने के लिए आपको जो है पिन डालना पड़ेगा अपने ATM का या क्रेडिट कार्ड का, जो भी आपने जो है सेट किया हुआ है। अब जो है नीचे दिया हुआ है कि हाउ टू एक्टिवेट कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, आपको जो है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए इस मोड को कैसे इनेबल करना है, तो इनेबल करने के लिए जो है आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको HDFC बैंक देता है। आपके पास केवल एक ही तरीका नहीं है, आपके पास कई सारे तरीके हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के आगे में कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल कर सकते हैं। नीचे में देखेंगे तो आपको जो है दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ईवा और नेट बैंकिंग। ईवा जो है एक कंप्यूटराइज हेल्प मशीन है, जो कि आपको जो है हेल्प करता है, आपके सारे क्वेश्चन के जवाब देता है और जो है आपके सारे डाउट्स जो भी होते हैं उसको जो है वो अपने हिसाब से जो प्रीसेट उनके आंसर्स होते हैं वो जो है आप तक पहुंचाता है। तो ईवा के थ्रू जो है आप एक मैसेंजर के थ्रू जो है आप इसको इनेबल कर सकते हैं
चार स्टेप में जो है आप सिंपली उसको इनेबल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों नीचे जो है नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, नेट बैंकिंग से चाहें तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है वर्क कैसे करता है, तो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर में जो है कुछ इस तरीके का वाईफाई टाइप का सिंबल देखने को मिलेगा। अगर ऐसा है तो आपका जो है कॉन्टैक्टलेस मोड जो है इनेबल होने के लिए वो अवेलेबल है। तो ऐसे सिंबल को पहले देख लेना है, उसके बाद जो है एक मशीन जो कि दुकान वाले के पास होगी, सेकंड नंबर पे देख सकते हैं ऐसी मशीन, वो जो है दुकान वाला इस पर आप जो भी ख़रीदारी करेंगे उसका टोटल अमाउंट जो है इसमें इंटर कर देगा। आप देख लेंगे कि उसने इंटर किया है सही अमाउंट या नहीं। अगर उसने अमाउंट सही इंटर किया है तो आप जो है सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को देख सकते हैं तीसरे नंबर में उस मशीन के ऊपर लेकर के जाएंगे। अगर वो मशीन के ऊपर ले जाते ही अगर आपका 5000 से कम का पेमेंट है तो ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा, लेकिन 5000 से ऊपर का पेमेंट है तो आपको जो है पिन डालना पड़ेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली जो है सक्सेस दिखा दिया कंप्लीटेड पेमेंट चौथे नंबर पे, यानी कि इनका जो है पेमेंट लेस देन 5000 था तो ऑटोमेटिकली जो है ये पेमेंट हो गया है। तो इस तरीके की जो है सुविधाएं आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरीके का मशीन आपको हर दुकानों में देखने को मिलेगा अगर आप जो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले डॉक्यूमेंट की तरफ कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा में मिलती हैं जिसको कि आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है इंडिगो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड कार्ड मेंबर एग्रीमेंट, यानी कि जो भी इस कार्ड के लिए जो है मेंबर बनते हैं, जैसे कि आप और मैं कस्टमर हैं, तो उनके लिए जो जो एग्रीमेंट्स हैं वो सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे पहले ही डिफाइंड हैं। आपने जब अप्लाई किया उसी समय जो है आपने इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को जो है एग्री कर लिया है, तो इसके जो है टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही आप चलें तो ही बेहतर है। अब जो है फाइनली यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाला हमारा जो है डॉक्यूमेंट आ चुका है। देख सकते हैं कि ये सारे डिटेल्स आपको एनवेलप के ऊपर से दिख रहे थे, जिस तरीके से ये पैकेजिंग था इसमें सारे मेरे एड्रेस डिटेल्स दिख रहे हैं। राइट साइड में देखेंगे तो मेरा जो है कार्ड नंबर दिख रहा है और मुझे जो है एक कार्ड इशू हुआ है जो कि है 75000 का लिमिट मुझे मिला हुआ है, यानी कि देख सकते हैं कि 75000 का लिमिट जो काफ़ी ज़्यादा होता है वो मुझे जो है यहाँ पे मिला हुआ है। तो इससे जो है मैं काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा लिमिट मिला हुआ है। कभी कभी आपको 25000 का लिमिट मिलता है, कभी 50000 का, लेकिन यहाँ पे 75000 मिला है। आने वाले समय में जो है ये लिमिट जो है और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, 1,00,000 1.5 लाख ऐसे जो है ये पहुँच सकता है। 18 जून 2022 को जो है मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे इशू हो गया है, तो यहाँ पे जो है डेट भी लिखा हुआ है कब से इशू हुआ है। और आपको मैं बता दूँ कि जिस दिन से इशू होता है उस दिन के अगले 50 दिन तक आपको जो है फ्री में क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का आपको जो है चांसेस मिलता है। आपको कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा, जो भी पेमेंट लगेगा एनुअल फ़ी और रिन्यूअल फ़ी वो उसके बाद लगेगा। दोस्तों हमने जो है थोड़ा सा प्रेज और भी नीचे किया है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है हेलो 60 लिखा हुआ है, इंडिगो एंड HDFC बैंक रिप्रेजेंट कैचिंग जो कि क्रेडिट कार्ड है, द क्रेडिट कार्ड डेट कन्वर्ट्स ऑल योर स्पेंड इनटू इंडिगो फ्लाइट्स, यानी कि जो भी स्पेंड करते हैं आप क्रेडिट कार्ड से, इस क्रेडिट कार्ड से इसके जो भी आपको जो है रिवार्ड्स मिलेंगे उस रिवार्ड्स को जो है आप अपने इंडिगो फ्लाइट के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। मेनली जो है ये क्रेडिट कार्ड आपकी फ़्लाइट के लिए ही है। अगर जो है आपका आना जाना जो है इस फ्लाइट से होता है या किसी भी फ्लाइट से होता है दोस्तों, तो आपके लिए जो है ये क्रेडिट कार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सिंपली जो है यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है योर कार्ड कम्स विथ दीज बेनिफिट्स, यानी कि जो भी बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एयर टिकट वर्थ ₹1500 जो कि आपको मुफ्त में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 60 प्राइम एड ऑन आपको मिल जाएगा। प्राइम एड ऑन से क्या होता है कि आप जो है अपने प्रेफरेबल सीट को जो है आप यूज़ कर सकते हैं, आप जो है चेक इन कर सकते हैं जो कि आपको पहली प्रायोरिटी मिल सकती है। आप जो है अपने लिए कुछ भी मील्स ये सारी चीज़ें जो हैं आप ले सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ऑप्शंस मिलते हैं, आप जो है क्विकर बैगेज के लिए भी जो है क्लेम कर सकते हैं। तो 60 प्राइम का जो है आपको एक अलग बेनिफिट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इंडिगो का जो भी 60 रिवार्ड मिलेगा वो जो है 2.5% होगा जो भी आप जो है इंडिगो में स्पेंड करते हैं। अगर आप जो है ग्रोसरी डाइनिंग और इंटरटेनमेंट के लिए जो है स्पेंड करते हैं पैसे, तो आपको जो है 2% का जो है 60 रिवार्ड मिलेगा हर एक ट्रांजेक्शन पे। तो 2% का जो है आपको 60 रिवार्ड मिलेगा, आप कहीं भी स्पेंड कर लीजिए ग्रोसरी डाइनिंग और इंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों 60 रिवार्ड्स ऑन अदर स्पेंड, यानी कि जो है इन दोनों के अलावा अदर स्पेंड करते हैं आपको तो 1% का 60 रिवार्ड मिलेगा किसी भी अदर स्पेंड के लिए। उसके बाद दोस्तों 10% तक का, यानी कि उससे कम भी हो सकता है, और 10% तक आपको जो है 60 रिवार्ड्स
ऑन इंडिगो फीचर्ड पार्टनर, यानी कि जो भी इंडिगो के फीचर पार्टनर्स हैं आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे जाकर के अगर स्पेंड करते हैं तो आपको जो है 10% का 6E रिवार्ड मिल जाएगा। अप टू 10% लिखा है, यानी कि 10% तक का आपको 6E रिवार्ड मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले, यहाँ तो डिस्काउंटेड कन्वीनियंस फी ऑफ 150, कन्वीनियंस फी डिस्काउंट जो भी होगा वो जो है 150 रुपीज़ का होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने फाइनली क्रेडिट कार्ड के लिए। तो दोस्तों इसी डॉक्यूमेंट में जो है नीचे और पीछे साइड में जो है ये हमारा क्रेडिट कार्ड पेस्ट करके भेजा गया है साथ ही में। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है मिल चुके हैं और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपका भी मिल चुका है। देख सकते हैं कि ऊपर में जो है कुछ इंपॉर्टेंट अटेंशंस लिखे हुए हैं जिसमें कि बताया गया है कि ऑनलाइन एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन ऑफ है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ है। तो आप जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए जो है नीचे में आपको जो है बता दिया गया है कि कैसे आप जो है इसको ऑन कर सकते हैं। विजिट करेंगे mycard.hdfc.com पे, लॉगिन करेंगे, सेलेक्ट कार्ड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और इनेबल कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इनेबल कर पाएंगे और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आपका हो जाएगा। इसके ऊपर के जो है हम इस चीज़ को जो कि ये पेस्ट किया गया है इस कागज़ को जो है उखाड़ते हैं और जो है फाइनली हमारा जो है क्रेडिट कार्ड हमारे सामने है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है फ्लाइट का एक सिंबल है और 6E रिवार्ड्स लिखा हुआ है, यानी कि एक कार्ड ही जो है आपको 6E रिवार्ड्स मिलेगा। इसमें कैशबैक टाइप नहीं है, यहाँ पे जो है आपको कॉन्टैक्टलेस सिंबल है और कैचिंग बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा है जो कि इसकी ब्रांडिंग है। और जो है अगर आप अपने अकाउंट से इसको ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद दोस्तों नीचे जो है HDFC बैंक की ब्रांडिंग है और ये जो कार्ड है वो वीज़ा प्लेटिनम कार्ड है, तो आपको जो है काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। चलिए इस कार्ड को जो है मैं इस डॉक्यूमेंट से अलग करता हूँ, इसको जो है पेस्ट करके भेजा गया है। साथ ही में दोस्तों इसी में दो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा में थे, देख सकते हैं कि कैसे आप जो है अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स यूजेस ऑन क्रेडिट कार्ड वाया। तो इनेबल करना है आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स यूज़ के लिए अपने इस कार्ड को। तो दोस्तों इसको जो है कार्ड को इनेबल करने के लिए आपको जो है 3 ऑप्शन मिले हैं, ईवा, व्हाट्सएप और नेट बैंकिंग। इसके थ्रू जो है आप इनेबल कर सकते हैं और ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हैं मनी को। कुछ इसी तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि आपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए 4 अंकों का पिन जो है बनाने के लिए आपको जो है यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आपको जो है पेपर मिला हुआ है। इसमें जो आपको बताया गया है हिंदी इंग्लिश में कि कैसे जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड का 4 अंकों का पिन जनरेट कर सकते हैं। चाहे तो आप जो है IVR का यूज़ कर लीजिए, चाहे तो नेट बैंकिंग का यूज़ कर लीजिए, चाहे तो मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर लीजिए। इन तीनों मेथड से जो है आप जा कर के अपने जो है क्रेडिट कार्ड के पिन को आप जो है एक्टिवेट कर पाएंगे और जो है उनके पिन सेट कर पाएंगे। HDFC बैंक के ATM में जा कर के भी आप अपने पिन को सेट कर पाएंगे। तो आपके पास जो है ऑप्शन है, अपने क्रेडिट कार्ड का 4 अंकों का पिन ज़रूर सेट कर लें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फाइनली अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड में क्या अलग है, क्या कुछ नया है। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड का कलर बहुत ही प्यारा है और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ऊपर में वन साइड में जो है आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, जिसके कि फ्रंट साइड में आपको जो है इसका क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा हुआ नहीं मिलता है। सिंपली जो है क्रेडिट कार्ड के ब्रांडिंग का नाम है, HDFC बैंक का नाम है और आपका नाम है। आगे में जो है एक चिप लगी हुई है जो कि बहुत ही सिक्योर बनाती है आपके क्रेडिट कार्ड को, और आपका जो ये वाईफाई टाइप का सिंबल जो है वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को और भी ज़्यादा इजी ट्रांजैक्शन करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसकी बैक साइड की बात करते हैं तो इसके पीछे साइड में क्या है, एक जो है आपको मैग्नेटिक टेप मिलता है जिसमें कि आपके सारे डिटेल्स होते हैं तो देख सकते हैं, और साथ में जो है आपका क्रेडिट कार्ड नंबर पीछे में दिया गया है, CVV कोड भी आपको दिया गया है और साथ ही में इसका एक्सपायरी डेट भी दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आपको डिटेल्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड कुछ अलग ही क्रेडिट कार्ड है बाकी क्रेडिट कार्ड की तरह। इसके जो लुक वाइज है वो काफ़ी अलग है। नीचे में देखेंगे तो आपको जो है लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी प्यारी बनाते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, आपको अच्छी लिमिट के साथ मिल जाएगा। और मैं जो एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे जो है स्टूडेंट बेसिस पे जो है ये क्रेडिट कार्ड मिल गया है। आपको ऑफर सेक्शन में ऑफर मिल चुका होगा इंडिगो क्रेडिट कार्ड का। मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।